मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को जय हिंद। अभी आप सबको पता है कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फेज टू के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं और इसकी लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर 21 रखी गई है। अभी काफी स्टूडेंट के मेरे पास इस प्रकार से कमेंट्स आ रहे थे कि जो इसमें 11th की डिटेल्स है वो क्या भरें। सबसे ज्यादा कमेंट्स इसी प्रकार के आ रहे हैं कि 11th की डिटेल क्या भरें, हमारे पास 11th का सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो हमें 11th की डिटेल कैसे फिल करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल सही काम करना है, गलत आपने मार्क्स फिल नहीं करने हैं, बिल्कुल सही मार्क्स फिल करने हैं। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसने 11th पास नहीं की है। 12th जिसने पास की है, 11th उसने अवश्य ही स्कूल से पास की है, स्कूल में एग्जाम भी दिया है और उसके बाद में उसका रिजल्ट भी आया होगा और उसने पास भी किया है, उसके बाद ही वो 12th क्लास में हुआ है। हाँ, मान सकते हैं हम NIOS या प्राइवेट कैंडिडेट की कंडीशन अलग है, लेकिन इनके अलावा जितने भी बच्चे नीट के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने 11th की एग्जाम जरूर दी है। तो आप अपने स्कूल में जाइए, जिनके पास में 11th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है, तो वो अगर आपके पास नहीं है तो आप उस कंसर्न्ड स्कूल में जाएं जहां से आपने 11th क्लास पास की है, वहां से आपको वो प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल जाएगा, वो स्कूल की तरफ से ही इश्यू होता है, स्कूल आपको दे देगा वो सर्टिफिकेट। अगर वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है तो स्कूल में पूरा रिकॉर्ड है, आपके रोल नंबर 11th के स्कूल से मिलेंगे, आपके मार्क्स सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो भी हैं वो सारे के सारे स्कूल में रिकॉर्ड मिल जाएगा, आप पेपर पर लिखकर ये सही डिटेल फिल कर सकते हैं, बाद में वो सर्टिफिकेट बाद में भी ले सकते हैं। तो अभी आपके पास में टाइम है, 10 अक्टूबर का टाइम है, 10 अक्टूबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं फेज टू को। तो मेरा कहना आपसे यही है कि आप गलत डिटेल ना भरें, आप बिल्कुल सही डिटेल भरें, स्कूल में जाकर वहां से आप अपने पूरी डिटेल ले लें 11th की और उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आप फेज टू का रजिस्ट्रेशन करें, उसमें फिल करें। दूसरी बात ये तो हो गई, चलो आपने गलत सलत इसमें अगर भर देंगे नीट के फॉर्म में, किसी किसी स्टेट में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के टाइम में 11th की भी वो मार्कशीट मांगते हैं, 11th की मार्कशीट भी रिक्वायर्ड होती है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप स्कूल जाकर के ये मार्कशीट वहां से ले सकते हैं, ये आपको ये आपका राइट है कि स्कूल आपको 11th का मार्कशीट देगा, क्योंकि आपने 11th पास की है तो उसको 11th का मार्कशीट देना ही पड़ेगा, ये आपका राइट है। तो आप एक बार स्कूल में जाओ जहां से आपने 11th पास की है, वहां से अपना मार्कशीट लेके फिर उसके बाद में तसल्ली से इस फॉर्म को फिल करो। जल्दीबाजी में गलत डिटेल फिल करना ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, मैं आपको इसमें डरा नहीं रहा हूं, ये सच्चाई बता रहा हूं, आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप स्कूल से पूरी डिटेल लेके, स्कूल के पास सब कुछ रिकॉर्ड है, रजिस्टर में सारा मेंटेन है, आपके जो मार्क्स है वो भी मेंटेन है, आपके रोल नंबर भी मेंटेन है, क्योंकि स्कूल में जो इस बार जो 12th का रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है वो 11th के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया गया है काफी सारे स्टेट्स में। तो आप वहां से अपने डिटेल लेके फिर इस फॉर्म को आराम से तसल्ली से फिल करें इसको। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, नई जानकारी में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते मैं आपसे फिर हर तरह की ये हर वीडियो में जो बताता हूँ उसी तरह इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि अगर आपको काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक को मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है, वो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। तो आप इसको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।